हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि शेख। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्वैम थिंग का एपिसोड 3। तो कैसा एपिसोड मैं बताऊंगा स्टूडियो में, तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना। और जिन लोगों ने मेरा स्वैम थिंग का एपिसोड 1 और 2 देखा, उन लोगों को मैं दिल से थैंक यू बोलता। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे वो दोनों एपिसोड में, इसीलिए मुझे तीसरा एपिसोड बनाने में बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और जिन लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड एपिसोड नहीं देखा तो वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, तो वो फर्स्ट और सेकेंड एपिसोड जाके देख सकते हो। लोगों ने हमारे चैनल को यानी अरहान एंटरटेनमेंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दो। बेल आइकन प्रेस करोगे तो मैं जो भी वीडियो डालता हूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी। तो जल्दी शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। स्वयं थिंग एपिसोड 3 वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर एपिसोड 2 खत्म हुआ था। एलेक हमें अपने इंसानी अवतार में नजर आता है, वो जंगल में है। उसे वही शख्स नजर आता है जिसे उसने एपिसोड 2 की एंड में मारा था, पर उसे कुछ याद नहीं आता। इतने में वो शख्स उस पर हमला कर देता है और कहता है मैं वापस आऊंगा। एलेक सपना देख रहा होता है और वैसे चला जाता है। एबी अपने घर पर नजर आती है अपनी दोस्त के साथ। एबी की दोस्त कहती है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुमने उस बच्ची को वापस ढूंढ निकाला पर तुम खुश नहीं लग रही हो। एबी कहती है मैंने कुछ देखा है बहुत ही अजीब, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी। वहाँ पर एक इंसान है जिसके पूरे जिस्म में पत्ते और पेड़ की जड़ है। उसकी दोस्त कहती है इसका मतलब सुशी ने उसे वहाँ मिलने गई थी, पर क्यों? बिकॉज सुशी को उसने बुलाया था क्योंकि वो बीमार है और उसे सुशी की हेल्प चाहिए। वापस लौटते वक्त सुशी ने मुझसे कहा था कि उसका नाम एलेक है। एबी की दोस्त कहती है तुमने क्या किया? एबी कहती है मैं उस वक्त इतनी डरी हुई थी मैं बस सुशी को लेकर वहाँ से भाग गई। उतने में एबी को हॉस्पिटल से एक मैसेज आता है, उसे अर्जेंट वहाँ पहुँचना है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि एक नया डॉक्टर ट्रूस वहाँ अपनी नई CDC टीम के साथ पहुँचा है, और साथ ही यही पता चलता है कि डॉक्टर जेसन वाड्रू एडी कोयल की बॉडी एग्जामिन कर रहा है। पर एबी कहती है वो डेफिनेटली CDC की तरफ से तो नहीं है। इस पर डॉक्टर कहता है वो यहाँ एवेरी सुंदरलैंड की तरफ से आया है। डॉक्टर वाड्रू यहाँ पर कहते हुए नजर आता है एबी के तुम्हें क्या नजर आ रहा है इस चीज को देखकर। एबी कहती है क्या तुम मेरा टेस्ट ले रहे हो? तो डॉक्टर कहता है मुझे जानकर लोगों से बात करके। एबी कहती है मैं जानती हूँ तुम्हें एवेरी ने भेजा है। इस पर डॉक्टर वाड्रू कहते हैं इस बॉडी को देखकर ऐसा लगता नहीं कि ये आधा इंसान आधा जानवर और ऐसा राक्षस जिसे इससे पहले कभी नहीं देखा गया हो। अब तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है? एबी कहती है मुझे एक इंसान दिखाई दे रहा है जिसका नाम एडी कॉयल था, जो अच्छा इंसान था, जी रहा था अपनी बेटी के साथ, और फिर एक दिन अचानक वो मर गया एक ऐसी डिजीज के जिससे हम आज तक पता नहीं लगा। डॉक्टर वाड्रू कहते हैं जिंदगी बहुत जालिम है, तुम इतना इमोशनल सोचोगी उतना खतरा है हम जैसे साइंटिस्ट को कुछ अलग सोचने में। डॉक्टर एबी कहती है सॉरी डॉक्टर मैं इस लड़ाई में इंसानों की तरफ हूँ। डॉक्टर वाड्रू कहता है जिंदगी एक गेम की तरह है और आज प्लांट्स के पास 1 पॉइंट है और इंसान के पास 0। अगले सीन में एबी की दोस्त नजर आती है एक शख्स से बात करते हुए जिसका नाम गॉर्डन है। एबी की दोस्त कहती है ये बहुत छोटा टाउन है, तुम मुझे इग्नोर तो कर सकते हो पर कहीं ना कहीं मैं फिर तुम्हें मिल ही जाऊंगी, इसीलिए मुझे बताओ तुम एवेरी के लिए क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा नाम सामने नहीं आने दूंगी, ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में पुलिस हमें नजर आते है एक दूसरे से बात करते हुए, उसी में से एक उसका ही बेटा होता है। उसे कहती है तुम प्रोटोकॉल फॉलो क्यों नहीं करते, तुम्हें कुछ हो गया तो? इस पर वो ऑफिसर कहता है यहाँ हर रोज एक एक मौत हो रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा एलेक के बारे में कुछ पता चला? नहीं कुछ खास नहीं, हम एवेरी से एक बार बात जरूर करेंगे, वहाँ से कुछ पता चला तो ठीक वरना हम केस क्लोज कर देंगे एक्सीडेंट कहकर। अगले सीन में एबी नजर आती है सुशी के मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ते हुए, तभी एक नर्स वहाँ आकर कहती है हार्लिन इसका पूरी रात ख्याल रख रहा था। एबी हार्लिन को एक रूम में देखती है, वो भी अब उस डिजीज का शिकार हो गया है। एबी फौरन उसके ट्रीटमेंट के लिए भेज देती है। हार्लिन को इस हालत में देखकर एबी डर जाती है और अब वो चाहती है किसी भी तरह से एलेक के लैब जाना ही होगा, वहाँ जाने से उसको इस डिजीज से लड़ने के लिए कुछ जानकारी मिलेगी। अगले सीन में जंगल में एक आदमी नजर आता है जिसके पास एक गन है, वो वहाँ शिकार करने बैठा था, तभी एक अजीब सी आवाज आती है। पास जाकर देखता है तो बहुत से कीड़े किसी इंसानी मांस को खा रहे होते हैं। जैसे पलटता है तो उसे वही आदमी नजर आता है जिसे एलेक ने एपिसोड 2 के एंड में मारा था। यहाँ ये एक क्रिएचर की तरह नजर आता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर वाड्रू अपने पार्टनर के साथ इस जगह को लेकर बहुत कुछ बातें करने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये जगह का स्वयं के अंदर की जितनी भी चीजें मानो सब की सब जिंदा हो। पर यही सीन में
इस इंसान के चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि ये मानो साइकोलॉजिकल काफी डिस्टर्ब हो। नेक्स्ट सीन में एवेरी मायरे से कहते हुए नजर आता है कि मैं जानता हूँ तुम डिस्टर्ब हो एबी की वजह से, मगर मैं तुम्हें फिर से पहले की तरह देखना चाहता हूँ। सुंदरलैंड से मिलने गॉर्डन हंस आता है। गॉर्डन कहता है मैं बैंक को और जवाब नहीं दे सकता। एवरी कहता है तुम जानते हो मेरे पास बहुत इन्वेस्टर है पर सब मेरे स्वयं के ऊपर जो स्टडी कर रहा हूँ उसकी का वेट कर रहे हैं। गॉर्डन कहता है मैं कुछ नहीं जानता, अगर बैंक को पता चला मैं तुम्हारे लिए बैंक में फ्रॉड कर रहा हूँ और अगर इस वजह से मुझे जेल हुई तो तुम भी बिल्कुल नहीं बचोगे। गॉर्डन एवरी को सिर्फ 24 घंटे देता है सारे के सारे पेपर पैसे वापस कर। यहाँ लैब में एबी एलेक के साथ बिताए कुछ पल याद करे, तभी वहां पे वही शख्स आ जाता जिसे एपिसोड 2 के एंड में एलेक ने मारा था। तो वो एबी यानी कि ज्यादा कोशिश करती है, तभी वहां वो एबी को बचा लेता है। फिर एबी उसे कहती है सुशी ने बताया कि तुम एलेक हॉलैंड हो। एबी कहती है मैंने उस ब्लास्ट के बाद तुम्हें देखा था, क्या तुम्हें कुछ याद है? हाँ मैं जल रहा था। एलेक पूछता है एबी से कौन हूँ मैं। एबी कहती है एक अच्छा इंसान, एक साइंटिस्ट जो मेरी हेल्प कर सकता है उस इंसान को वापस लाने में जिसे मैं जानती थी। एबी कहती है मैं नहीं समझ पा रही हूँ इस डिजीज के बारे में और ये क्यों लड़ रही है हमसे। एलेक कहता है ये सिर्फ हमें जवाब दे रही है। एबी समझ जाती है इस डिजीज से बचने का रास्ता और वो हार्लिन पर आजमाती है और वो सक्सेस हो जाती है, यानी कि हार्लिन ठीक हो जाता है। के पास जाती है और उसे पूछती है तुम्हारी तबीयत कैसी है अब। सुशी कहती है तुम एलेक से मिली, तुम उसकी हेल्प करोगी ना। एबी कहती है हाँ मैं कोशिश करूंगी सब पहले जैसा ठीक हो जाए। नेक्स्ट सीन में हमें मारियो और एवरी नजर आते हैं। एवरी कहता है तुम्हारे लिए कितना अजीब है मैं महसूस करता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। हमने इतने सालों से जिस चीज के लिए इतनी मेहनत की बस अब वो सब होने ही वाला है, मुझे और पैसे की जरूरत। हमें एलेक का दोस्त नजर आता है अपने वीडियो लाइब्रेरी में जाते हुए, लेकिन जैसे ही लाइब्रेरी में अंदर घुसता है उससे पहले ही वहाँ पे टैरोट रीडर मौजूद रहे, कार्ड्स निकलते हैं। लेकिन इस बार जब वो देखती है तो अलग सिनाडू कहती है तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, कोई आने वाला है तुम्हारी लाइफ में। एबी की दोस्त को एलेक की बोट का एक टुकड़ा मिलता है, उससे वो समझ जाती है कि एलेक की बोट पर किसी ने शूट किया था, यानी एलेक को किसी ने शूट किया था। लास्ट सीन में गॉर्डन उसके घर जाता है और वहाँ एवेरी पहले से ही मौजूद होता है। एवेरी उसे कहता है तुम्हें मैंने कहा था कि अपना मुंह बंद करना, तुम्हारी वजह से मारिया ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया, अब तुम मेरी किसी काम की नहीं हो। और एवेरी गॉर्डन को वहां जान से मार देता है। यहाँ पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब तो जरूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ऐसे वीडियो बनाता रहूंगा। तो यार इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको कल कुछ नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय।